अगर आप किसी भी लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं या किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं और उनसे अपना मन चाहे कार्य करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किसी भी स्त्री को आप कैसे अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो लवंग की जरूरत पड़ेगी और लाल चंदन की जरूरत पड़ेगी और एक मौली की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको करना क्या है आइए हम बतलाते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जितने भी इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। तो आइए हम बतलाते हैं। सबसे पहले आपको लाल मौली जो है उसको क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा में आपको लेना है। लाल मौली को इस प्रकार से लेना है और यह प्रक्रिया रविवार के दिन ही करना है। लाल मौली लेने के बाद में एक लवंग के ऊपर इस प्रकार से बांध देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लवंग के ऊपर बांध दिया, ठीक है। दूसरा लवंग को भी क्या करना है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, मौली में बांध देना। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या शादीशुदा स्त्री हो। इस प्रकार से दोनों लवंग को बांध देंगे। बांधने के बाद में आपको क्या करना है, आपको नीम के पेड़ के ऊपर ले जा करके एक कील ठोक करके इसको उस पे बांध देना है और कील पर बांधने के समय आपको उस स्त्री का, उस औरत का नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। वो उसके बाद में आप उसको वहाँ पे बांध करके किल ठोकर के घर पे चले आइए, पीछा मुड़कर नहीं देखना है। और अगले दिन आपको पता चलेगा कि जिस भी स्त्री का नाम लेकर के इस पे ठोके हैं, इस लवंग को नीम के पेड़ के ऊपर